आज की रेसिपी में हम बनाएंगे करेले की मसालेदार सब्जी। इस तरह से यदि आप सब्जी बनाएंगे तो बिल्कुल कड़वा नहीं लगते हैं। यदि आप करेला खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे ज़रूर खाना पसंद करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमने 2 कप पानी में 1 चम्मच नमक डालकर और करेले को उबलने के लिए गैस पर रख दिया है और बस इसे 50-60% ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं उबालना है। और उसके बाद हम पानी से निकाल लेंगे करेले को और इसे ठंडा होने देंगे। तो सारे करेले हमने निकाल लिए हैं और अब ये ठंडा भी हो चुका है। तो इसे इस तरह से चाकू की सहायता से बीच से कट कर लेंगे और इसके सारे बीज को हम निकाल लेंगे एक एक करके। और इसके बीज को फेंकना नहीं है, जो भी मुलायम बीज होगा उसे हम रख लेंगे और जो बीज थोड़े कड़े होते हैं तो उसे हम फेंक देंगे, हटा देंगे। तो इस तरह से सारे करेले का बीज हम निकाल लेंगे। तो बस हमने सारे करेले के बीज निकाल लिए हैं और अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 गांठ लहसुन को छील लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है, 1 बड़े प्याज को काट लिया है और ये 2 चम्मच पीली वाली सरसों है। और अब हम इसे ब्लेंडर में डाल करके ब्लेंड कर लेंगे, इसके मसाले तैयार कर लेंगे। तो ये वाले मसाले बहुत अच्छे लगते हैं करेले की सब्जी में। और ये जो बीज है करेले का निकला है उसे हम डाल देंगे। तो हमने कड़ा वाला भाग को हटा लिया है और ये जो सॉफ्ट भाग है बीज का उसे सिर्फ रखा है। और थोड़ा सा पानी डाल करके और इसे अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे, महीन पेस्ट। तो इस बॉल में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं सारे मसाले को और जार को थोड़ा सा धोकर और इसमें डाल देंगे पानी। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सब मसालों को अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेंगे। तो बस हमारे मसाले तैयार हैं सब्जी के लिए। तो करेले की सब्जी जब भी बनाएं आप तो फ्रेश मसाले तैयार करके ही बनाएं, इससे सब्जी बहुत अच्छा बनते हैं। तो यहाँ पर गैस पर हमने एक पैन लिया है और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है और ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे और 1 चम्मच राई डाल देंगे। और राई जब चटकने लगे तो सारे मसाले डालकर उसे अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो बस मसाले अब हमारे फ्राई हो चुके हैं और यहाँ पर हम गैस को लो कर दिए हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और ये 1/2 नींबू का रस इसमें गार देंगे। यदि आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो पूरा नींबू डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा मसाला तैयार है करेले की सब्जी के लिए। और इसे सबसे पहले इन मसालों को इस बॉल में निकाल लेते हैं और सारे मसाले हम करेले में थोड़े थोड़े करके भर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1/2 टीस्पून डाल करके चारों तरफ फैला देंगे इसे। इस मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इसकी वजह से करेले की जो ग्रेवी होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो बस सारे करेले को हमने भर लिए हैं और इतना सा मसाला हमने बचा लिया है, इससे हम ग्रेवी डालेंगे। अब हम इन सारे करेलों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर पैन में हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है थोड़ा सा और इसमें सारे करेले को डाल करके और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। यदि एक बार में सारे करेले फ्राई नहीं हो तो आप उसे 2-3 बार में कर सकते हैं। और साथ में इसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक और हल्दी स्प्रिंकल कर देंगे। नमक से क्या होगा, करेले का कड़वाहट थोड़ा कम हो जाएगा, कम कड़वे लगेंगे करेले और नमक भी चारों तरफ इवनली अच्छे से करेले में मिक्स हो जाएगा। तो बस इसे उलटते पलटते हुए पका लेंगे ढक ढक कर, इससे क्या होगा करेले अच्छे से पक जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छी तरह से ब्राउन भी हो जाएंगे। तो बस ये करेले जो हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसे हम इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद जो बचे हुए मसाले हैं तो इस मसाले से हम ग्रेवी बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले में लम्स ना रहे। तो बस इसे हमने मिक्स कर लिया है। और अब उसी सेम पैन में जिसमें हमने फ्राई किया था करेला उसी में इस मसाले को डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसके बाद इसमें एक बॉयल आने देंगे। और जब इसमें बॉयल आ जाए तो सारे करेले को इसमें डाल देंगे।
तो बस इसमें बॉयल आ चुका है और अब हम एक एक करके सारे करेले इसमें डाल देंगे। करेले हमारे जो है वो पक चुके हैं, अच्छी तरह से पके हुए हैं, तो ज़्यादा देर तक इसे नहीं रखना है ग्रेवी में, नहीं उबालना है और बस थोड़ी देर, 1 मिनट इसे पका करके और गैस को बंद कर देंगे। तो बस अब करेले की मसालेदार सब्जी बनकर तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे, तो आप भी ट्राई करें इस रेसिपी को, बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे करेले और बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर